नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा जो मेजरमेंट के अंदर टॉपिक रहेगा जो अपने पढ़ने वाले हैं सीआरओ। तो एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सर सीआरओ को पढ़ाया जाए, तो अपने सीआरओ पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देखें सीआरओ जो है होता क्या है, उसके बाद इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और बारी बारी इसके पार्टों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक पैनल डायग्राम भी पढ़ेंगे कि सीआरओ जो होता है उसके पैनल पर क्या क्या चीजें होती है और वो किस किन चीजों का किस किस तरीके से उनको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा सीआरओ जो होगा वो किन किन चीजों का मेजरमेंट करेगा। अब तो सबसे पहले सीआरओ का पूरा नाम अगर देखें तो यहाँ इसका पूरा नाम देखेंगे तो आपको जो मिलेगा पूरा नाम वो मिलेगा कैथोड रेज। आर का मतलब जो होगा यहाँ क्या होगा रेज। रेज का मतलब क्या होता है किरण उत्सर्जन। और ऑसिलोस्कोप यानी कि ऑसिलोस्कोप का जो हिंदी में मतलब होगा वो होगा दोलनदर्शी, यानी कि इसको कैथोड किरण दोलनदर्शी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोलनदर्शी का मतलब ये हुआ कि आपको जो दोलन होगी, दोलन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये ऐसी सप्लाई है इसके दोलन हो रही है इस तरीके से, तो इनको आपको रिप्रेजेंट करना है। इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो किस उपकरण की सहायता से देखेंगे तो हमारा जो रहेगा वो रहेगा सीआरओ। इसका मतलब किसी भी तरंग का अगर किसी भी जो इनपुट है उसका अगर आपको वेव फॉर्म देखनी है तो किस मीटर का यूज करेंगे, किस उपकरण का यूज करेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा सीआरओ रहेगा। तो एक बात आपको ये याद रखेंगे। अब बात आती है कि सीआरओ जो होगा इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और भी बारी बारी इसके पार्टों के बारे में अपने ध्यान देंगे। तो ब्लॉक डायग्राम देखें अपने, ठीक है। तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम देखना और ब्लॉक डायग्राम से आपको ये चीज पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें जो होती है वो लगी होती है और किस किस तरीके से हमें इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ एक चीज होता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल अटैनुएटर, वर्टिकल अटेनुएटर। और अटेनुएटर का जो मतलब होगा वो होगा छेदकारी, यानी कि इसको क्या कहा जाता है छेदकारी कहा जाता है। और ये काम क्या करता है, कोई भी जो इनपुट जो होगा उसको क्या करेगा उसके आयाम को बताने का काम करेगा। और यहां जो होगा ये होगा वर्टिकल एम्पलीफायर और इसका काम जो होगा ये इसका जस्ट उल्टा होगा, तो ये वर्टिकल एम्पलीफायर होगा। इसके बाद यहाँ एक होगी जिसको अपने बोलेंगे सीआरटी, और सीआरटी जो होगा इसका सबसे मेन पार्ट जो होगा वो यही होता है सीआरओ का इस तरीके से। और यहां अपने काम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट जाएगा वो सीआरटी पर जाएगा, ट्यूब पर जाएगा। अब देखिए इसके बाद एक यहां पर जो होगा वो अपने पास हॉरिजॉन्टल अटैनुएटर, हॉरिजॉन्टल, और इसको बोलेंगे अटैनुएटर। यानी कि जो आयाम जो होगा किसी भी इनपुट सिग्नल जो होगा उसके आयाम को क्या करेगा, उसके जो क्षैतिज आयाम जो होगा उसको कम करने का काम करेगा अटैनुएटर, ठीक है। इसके अलावा यहां एक होगा जिसको बोलेंगे गेट एम्पलीफायर। तो बारी बारी इसके अंदर अपने देखेंगे कि क्या क्या कौन सी चीज किस तरीके से काम करेगी। एक इसके अंदर यहां जो होगा वो होगा अपने पास साठ जनरेटर, आप लोग देखते हो कि जो सीआरओ जो होता है जब आप लोग कोई भी इनपुट नहीं देते तो सीआरटी की जो स्क्रीन जो होती है उस पर एक बेस लाइन चलती है, वो बेस लाइन जो होती है और जिसको टाइम बेस सिग्नल कहा जाता है वो साठ जनरेटर द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक ट्रिगर सर्किट होगा, ये अपने पास होगा ट्रिगर। और एक इसके अंदर बच गया अपना हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ये हॉरिजॉन्टल क्या होगा एम्पलीफायर होगा यहाँ पे। ये जो सीआरओ की जो क्लास है ये दो से तीन दिन चलेगी आपकी, तीन दिनों से पहले जो होगा ये नहीं होगा, यानी कि तीन दिन आपको कम से कम क्लास लगानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। यहाँ इस तरीके से तो इनका किस किस तरीके से आपको दिया जाता है ये आप लोग यहां से याद रखेंगे। और ये अपने पास वर्टिकल एम्पलीफायर हो गया यहाँ पे। और यहां देखो ये जो इनपुट जो होगा इसके अंदर आपने देखा होगा तीन टर्मिनल हो गए होंगे इस तरीके से, एसी डीसी और ये ग्राउंड, इस तरीके से होता है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे यहां से ये ट्रिगर जो होगा, ट्रिगर आप लोग एक्सटर्नल करना चाहते हो या इंटरनल करना चाहते हो ये भी इसके अंदर ऑप्शन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल करना चाहते हो या इंटरनल करना चाहते हो, ये थोड़ा सा मैं आपको यहां से बना देता हूँ इस तरीके से। तो ये इसका जो है ब्लॉक डायग्राम आपके सामने, ठीक है। तो ये इसका क्या रहेगा, ब्लॉक डायग्राम रहेगा।
तो यहां बारी बारी से हमने देखेंगे, और यहां जो ट्रिगर के नीचे जो है आप लोग देख सकते हो। तो अब आपने देखो ये इसका वर्टिकल एटेनुएटर हो गया, ये वर्टिकल एम्पलीफायर हो गया, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हो गया, ये गेट एम्पलीफायर होगा, ये साथ में जनरेटर होगा, ये ट्रिगर होगा, और ये जो आपको यहां से दिखाई देंगे सीआरटी, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। तो आज हमने जो बात करने वाले हैं, आज हमने बात करेंगे वो सीआरटी के बारे में बात करेंगे कि जो सीआरटी जो है होती क्या है, किस तरीके से काम करेगी, या किस किस तरीके से इसके अंदर जो पार्ट होते हैं उसके बारे में हमने देखेंगे। तो मैं सबसे पहले काम क्या करूंगा, सीआरटी जो है उसका डायग्राम बनाऊंगा, और बारी बारी से जितने भी पार्ट है वर्टिकल एम्पलीफायर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना रहेगा वो सीआरटी रहेगा। तो सीआरटी देखो किस तरीके से होती है, इस तरीके से, और यहां इसकी होल्ड पिन होती है। अब आप लोग यहां से देखेंगे तो इसके अंदर ये ग्रिड होगा, और यहां जो होगा हीटर होगा जो काम क्या करेगा, इनपुट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों को ओपन करने का काम करेगा। एक यहां होगा जिसको बोलेंगे हमने एक्सेलरेटिंग एनोड, फिर यहां एक चीज और होगी जिसको बोलेंगे फोक्सिंग एनोड, फिर यहां वापस एक और होगा जिसको बोलेंगे एक्सेलरेटिंग एनोड, और यहां फिर काम क्या करेंगे अपने देखेंगे तो इसके अंदर इस तरीके से प्लेटें होगी, इस तरीके से, और इसी तरीके से अगर आप यहां से देखें इस तरीके से, और ये इसकी क्या रहेगी स्क्रीन रहेगी, ये इसकी क्या स्क्रीन है। तो ये पूरी की पूरी यह ट्यूब है जिसको अपने क्या बोलेंगे सीआरटी बोलेंगे, और ये जो होगा इसका ये हीटर का पार्ट होगा इसको हीटर बोलेंगे, और ये जो होगा इसको ग्रिड बोलेंगे जो मैंने यहां बनाया है इसको, और ये होगा इसको बोलेंगे प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। तो इसके अंदर तीन एनोड होंगे, और इसको बोलेंगे अपने फोक्सिंग एनोड, और इसको बोलेंगे एक्सेलरेटिंग एनोड, ये एक्सेलरेटिंग यहां पर आएगा, और यहां इस पर लिखेंगे एनोड, और ये इसके क्या होगी वाई डिफ्लेक्शन प्लेट होगी, ठीक है, वाई डिफ्लेक्शन प्लेट यानी कि वाई डायरेक्शन, वाई का मतलब क्या होगा ऊपर और नीचे डिफ्लेक्शन प्लेट, और ये जो एक्स जो होगी ये जो प्लेट होगी इसको अपने क्या बोलेंगे एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट। अब आप लोग देखिए बारी बारी जिसके बारे में देखें तो ये जो इतना जो मैंने आपको पार्ट बताया यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि जो प्लेटों को बाहर छोड़ दें आप लोग, इतना जो होता है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गन, यानी कि इसको क्या कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गन। तो एक तो आप लोग यहां से याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन गन जो होता है उसका पार्ट कौन सा होगा कौन सा नहीं होता, तो जो डिफ्लेक्शन प्लेटें जो होती है इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं होता। इसके अलावा ये स्क्रीन होगी। अब बारी बारी से देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने जो बात करेंगे वो हीटर के बारे में बात करेंगे, सीआरटी जो होते हैं इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सीआरटी का मतलब होगा कैथोड रे ट्यूब। तो सीआरटी की क्या बात करेंगे, भागों के बारे में बात करेंगे, पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सीआरटी के अंदर सबसे पहला जो पार्ट देखेंगे वो होगा हीटर, और इसको मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। देखो एक तो जो पहला जो पार्ट रहेगा जिसको इलेक्ट्रॉन गन बोल सकते हैं, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा डिफ्लेक्शन प्लेट, और दूसरा कौन सा रहेगा डिफ्लेक्शन सिस्टम या डिफ्लेक्शन प्रणाली। तो अगर मैं आपको यहां से बताता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन गन होगी इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे, तो आपका हीटर आएगा, ग्रिड आएगा, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड आएगा, फोक्सिंग एनोड आएगा, एक्सेलरेटिंग एनोड आएगा। तो ये जितने भी मैंने आपको पार्ट बताएंगे सारा का सारा जो है इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट है। इसका मतलब एक बार तो आप लोग यहां से याद रखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं है, तब आप लोग याद रखेंगे ये जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है ये इसका पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गन के पार्टों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हीटर रहेगा अपना। तो हीटर जो होगा ये काम क्या करेगा, हीटर का एक ही काम है कि जो भी आप लोग इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको उत्पन्न करने का काम करेगा। तो यानी कि ये काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न करेगा। तो एक ये बात याद रखेंगे हीटर का काम होगा ये। दूसरा जो मैंने आपको बताया ग्रिड, ग्रिड काम क्या करेगा, जैसे आपकी क्लास के अंदर काम क्या करते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट है क्लास के अंदर,
और जब छुट्टी होती है तो आप लोग गेट खोलते हो और गेट के अंदर काम क्या करते हो, बारी बारी से स्टूडेंट को बाहर निकालते हो। तो ये काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करता है, कौन करेगी, ग्रेड। और ग्रेड का जो हिंदी में मतलब होता है जाली में होता है, इसका यहां से याद रखेंगे। तो ग्रेड काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का नियंत्रण। अगर आपसे पूछा जाए कि सीआरटी जो होगा या सीआरओ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ग्रिड होगा। ये जो ग्रिड है यहाँ पे, ये ग्रिड होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करेगी, नियंत्रण करेगी। तीसरा देखें आप लोग, तीसरा इसके अंदर ये मैंने एक बताया एक्सेलरेटिंग एनोड। ये दो प्रकार के होंगे, एक प्री एक्सेलरेटिंग एनोड होगा और दूसरा एक्सेलरेटिंग एनोड होगा। तो ये दो प्रकार के होंगे एक्सेलरेटिंग एनोड। आप लोगों ने गाड़ी चलाई होगी, गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा एक्सेलरेशन, यानी कि रेस जो होती है उसका इस्तेमाल काम क्या करते हो, गाड़ी की स्पीड चेंज करने के लिए करोगे। उसी तरीके से यहां अगर हमने देखें एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन का मतलब होगा त्वरण और त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेटिंग एनोड होंगे, ये दोनों काम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गति को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यानी कि मैं इसको हिंदी में देता हूं त्वरक एनोड, ये दो होंगे और इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, गति का क्या करेंगे, नियंत्रण। तो आपसे ये पूछा जाए कि गति का नियंत्रण किसके द्वारा होगा, तो एक्सेलरेटिंग एनोड होगा। उसके बाद आएगा अपने पास फोकसिंग एनोड। फोकस का मतलब क्या हुआ, एक विशेष पॉइंट के ऊपर क्या करना, ध्यान केंद्रित करना। तो ये फोकसिंग एनोड जो होगा, इन दोनों तो एक्सेलरेटिंग और प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, इन दोनों के बीच में होगा, ये पोजिशन आप लोग याद रखेंगे। तो यहां जो फोकसिंग एनोड होगा, ये काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको किसी विशेष डायरेक्शन में भेजने का काम करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा का नियंत्रण करेगा। तो ये आप लोग यहां से याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की दिशा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे फोकसिंग एनोड द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए तो वर्क एनोड काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की गति का नियंत्रण करेगा। हीटर काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न करने का काम करेगा। ग्रिड काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इतना होने के बाद देखिए अब हमने बात करेंगे, ये तो सारा का सारा जो था आपका, ये जो था इलेक्ट्रॉन घन का वाट था। अब आप लोग यहां से देखें डिफ्लेक्शन सिस्टम, देखें डिफ्लेक्शन सिस्टम, विक्षेपण प्रणाली की अगर अपने बात करें तो यहां जो इस सिस्टम के अंदर जो दो पार्ट होंगे, पहला जो होगा आपका एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट या एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट होगी। अगर आप लोग ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ के अंदर आपको पता है जो एक्स होगा यहां पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव। और आपको पता है कि जो सीआरटी की जो स्क्रीन जो होती है उस पर 2D आपको क्या मिलेगा, कोई भी जो सिग्नल होगा उसकी जो शेप जो मिलेगी वो 2D ही मिलेगी। तो ये भी आपको याद रखे कि सीआरओ जो होगा वो पर्दे पर जो आयाम दिखाएगा किसी भी आकृति का, वो कौन सा दिखाएगा, वो 2D, यानी कि उसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो इसका मतलब ये जो प्लेट होगी, ये आपका कौन सा साइड है, राइट साइड है, तो ये दायां हो गया और ये कौन सा हो गया, बायां। तो ये एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट होगी, इलेक्ट्रॉनों को दाएं और बाएं भेजने का काम करेगी। तो यानी ये काम क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को दाएं और बाएं। तो यानी कि ये बात आप लोग याद रखेंगे कि एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट होगी वो इलेक्ट्रॉनों का विक्षेपण किस दिशा में करेगी, तो वो दाएं और क्या करेगी, बाएं करेगी, या एक्स की प्लस और एक्स की माइनस डायरेक्शन में करेगी। फिर जो दूसरी जो है इसके अंदर वो आपकी होगी वाई डिफ्लेक्शन प्लेट, यानी कि वाई विक्षेपण प्लेट जो होगी। तो वाई आपको पता है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो वाई ऊपर प्लस होगा, नीचे क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब ये जो होगा वाई प्लेट जो होगी, ये काम क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को ऊपर और नीचे भेजने का काम करेगी। और यहां से याद रखोगे कि ये दो होगी इनकी संख्या भी और इनकी संख्या भी क्या होगी, दो। यानी कि एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो ये दो होगी और वाई डिफ्लेक्शन प्लेट की संख्या क्या होगी, दो होगी। इस तरीके से ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं भेजने का ये क्या करती है, काम करेगी। तो ये काम क्या करेगी, ऊपर और नीचे भेजेगी। तो यहां तक देखिए आप लोग, जो सीआरटी जो होगा इसका पूरा नाम देखें तो सीआरटी का मतलब होगा कैथोड रे ट्यूब, और सीआरटी को क्या बोला जाता है, सीआरओ का हर्ट कहा जाता है। यानी कि अगर सीआरटी नहीं है तो उसका कोई काम नहीं होगा सीआरओ का। दूसरी बात, इस सीआरओ का अगर अपने बात करें, इस सीआरटी का हर्ट होगा। अब सीआरटी में देखो क्या क्या चीज होगी, सीआरटी को देखो तीन टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन गन होगा, दूसरा डिफ्लेक्शन सिस्टम होगा, तीसरा होगा स्क्रीन। तो डिफ्लेक्शन सिस्टम के अंदर अपने बात करें तो डिफ्लेक्शन सिस्टम के अंदर दो प्लेटें होगी, एक्स होगी और वाई होगी।
एक्स जो होगी इलेक्ट्रॉनों को दाएं और बाएं भेजने का काम करती है, जबकि वाई कन्वेक्शन प्लेट होगी ऊपर और नीचे भेजने का काम करेगी। फिर अगर हमने बात करें इलेक्ट्रॉन गन की, तो इलेक्ट्रॉन गन जो होगा ये काम क्या करेगा, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा हेड। ये काम क्या करेगा, जो इनपुट आप लोग दे रहे उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न करने का काम करेगा। फिर दूसरा बात आता है ग्रिड, तो ग्रिड काम क्या करेगी, जाली जो काम क्या करेगी इस तरीके से, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इनकी संख्या को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रिड का काम क्या है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन कंट्रोल करेगी, तो आपका आंसर होगा ग्रिड। फिर आता है त्वरक एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड, इनकी संख्या दो होगी, एक एपॉक्सी एनोड से पहले लगा हुआ, एक एक्सेलरेटिंग इसके एपॉक्सी एनोड के बाद में लगा हुआ। तो पहले लगा इसको बोलेंगे प्री एक्सेलरेटिंग एनोड यानी कि पूर्व त्वरक एनोड, इसको बोलेंगे एक्सेलरेटिंग एनोड यानी कि त्वरक एनोड। और इन दोनों के बीच में काम किया गया आपने फंक्शन नोड लगाए, तो जो त्वरक नोड होगा ये इलेक्ट्रॉनों की गति को नियंत्रण करने का काम करेगा, यानी कि उनकी गति जो होगी उनको क्या करेगा, चेंज करेगा। फोक्सिंग नोड की अगर अपने बात करें, तो फोक्सिंग नोड जो होगा ये काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी दिशा को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो यहां एक बार ये आप लोग याद रखें। और उसके बाद अगर अपने बात करें स्क्रीन के ऊपर बात करेंगे, तो ये इतना यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगली बार इसके अंदर जो अटेनुएटर हो गया या एम्पलीफायर हो गया इनके बारे में हमने बात करेंगे। तो यहां से ये तो पता चल चुका होगा डिफ्लेक्शन सिस्टम का कौन सा पार्ट है और इलेक्ट्रॉन गन का कौन सा पार्ट है। अब अपने बात करने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर, कोई भी जो सिग्नल अगर आप लोग देखेंगे तो वो स्क्रीन पर देखेंगे, यानी कि स्क्रीन का मतलब क्या होगा, पर्दा। अगर आपके पास इस तरीके से देखेंगे स्क्रीन को, इस तरीके से इसकी स्क्रीन होती है, और ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा डार्क होता है इस तरीके से। और फिर अगर आप लोग देखते हैं तो यहां इस तरीके से पतली पतली लाइनें से देखते हो आप लोग इस तरीके से। और जब आप लोग धारा और वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे, इसके अंदर वोल्टेज हो गया या कलांतर, इसका कलांतर हो गया, आप लोग टाइम पीरियड होगा इसका मेजरमेंट करेंगे, तब आप लोग यहां से इन चीजों को थोड़ा सा देखेंगे स्क्रीन से, किसे धारावास में क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। अब ये थोड़ा सा यहां ठीक है इस तरीके से, तो ये पूरा जो ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक जो होगा वो एक सेंटीमीटर तो चौड़ा होता है, एक सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। इसका मतलब सीआरओ की जो स्क्रीन जो होगी वो सेमी में डिवाइड होती है, यानी कि पूरा जो खांचा जो होगा, पूरा जो पर्दा होगा, इस तरीके से आप लोग देखेंगे जिस तरीके से चार क्वाड्रेंट बनते हैं उसी तरीके से इसका पर्दा चार टुकड़ों में डिवाइड होगा, मतलब इस तरीके से ही होगा। और यहां से अगर अपने बात करें तो ये पूरा जो एक ब्लॉक होगा, ठीक है, यहाँ तो आयत सा बन रहा है तो इसको थोड़ा सा वर्ग टाइप होते हैं, वर्ग होगा ये, एक सेंटीमीटर तो लंबा होगा, मतलब इस तरीके से होगी चौड़ाई होगी, एक सेंटीमीटर की ऊंचा होगा। इसका अगर एरिया निकाले तो एक सेंटीमीटर करेंगे तो एक सेमी का क्या आएगा, स्केयर है। और इसको आप लोग मीटर में चेंज कर सकते हो, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.0001 मीटर का क्या आएगा, स्केयर है। तो ये आप लोग यहां से याद रखेंगे कि जो सीआर जो सीआरटी जो होता है उसकी स्क्रीन जो होगी वो सेमी के अंदर जो होती है वो डिवाइडेशन होगी, और उसका पूरा जो एरिया होगा वो सेमी, एक सेमी स्क्वायर के बराबर होगा। तो एक तो आप लोग ये याद रखेंगे, यानी कि स्क्रीन जो होगी वो एरिया अगर आपसे पूछा जाए स्क्रीन का वो क्या होगा, सेमी का क्या होगा, स्क्वायर। दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो स्क्रीन होती है इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, कोटिंग का मतलब ये होगा इस पर लेपन किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन इस पर टकराए तो वो काम किया करे, चमकदार बिंदु उत्पन्न करे। इसके लिए काम क्या किया जाता है, इसकी स्क्रीन के ऊपर फास्फोरस का लेपन किया जाता है, और फास्फोरस का जब लेपन करेंगे तो जब इसके ऊपर टकराएगा तो वो काम क्या करेगा, चमकदार बिंदु उत्पन्न करने का काम करेगा। तो स्क्रीन पर लेपन अगर आपसे पूछा जाए तो किसका करेंगे, वो किया जाता है फास्फोरस का। तो एक चीज आप लोग ये याद रखेंगे सीआरटी की स्क्रीन के ऊपर, और जो भी होगा और आप लोग देखेंगे कि सीआरओ की जो सीआरटी की जो स्क्रीन जो होगी इसके जो पर्दा जो होगा वो खांचों में डिवाइड होगा। और पर्दा जो अगर हमने बात करें तो पर्दा अगर हमने बात करें तो पर्दा जो होगा वो किसमें डिवाइड होता है, वो सेमी में, यानी कि एक ब्लॉक जो होगा वो एक सेमी लंबा, एक सेंटीमीटर क्या होगा, चौड़ा होगा। फिर एक चीज और देखें, सीआरओ की या सीआरटी की जो स्क्रीन जो होगी इसकी स्क्रीन पर आप लोग जो भी सिग्नल देखेंगे उसकी दो ही चीज मिलेंगी, क्योंकि पर्दे के ऊपर आप लोग देख रहे हो लंबाई और चौड़ाई दो ही है। तो यहां से आपको यह चीज पता चल चुका है कि सीआरटी जो होगा उसकी स्क्रीन पर अगर आपको जो आयाम मिलेगा, यानी कि जो सिग्नल होगा वो कौन सा होगा, वो आपका याद रखेंगे वो होगा 2D।
यानी ये काम क्या करेगा, 2D, यानी कि 2D का मतलब होगा 2 डायमेंशन। तो आप लोगों को ये जो सारी जो बात मैंने आपको बताई है, सारा का सारा जो था वो CRT के ऊपर था। और CRT के बारे में एक चीज और याद रखेंगे, इसको CRO का क्या कहा जाता है, हर्ट कहा जाता है। CRO का क्या कहा जाता है, हृदय का गठन। तो दोबारा देखें एक बार, इसके अंदर जो इसका जो ब्लॉक डायग्राम आपने देखा, उसके अंदर सबसे पहला जो आपका पार्ट था वो था CRT, इसको CRO का हर्ट कहा जाता है। फिर इसके अगर अपने पार्ट करें तो 3 पार्टों में इसका डिवाइडेशन करेंगे CRT का। पहला जो रहेगा आपका वो रहेगा इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा डिफ्लेक्शन सिस्टम, तीसरा रहेगा पर्दा स्क्रीन। अगर अपने बात करें पहले पार्ट की, तो इसके अंदर देखो कौन कौन से पार्ट होंगे, हीटर होगा जो इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न करेगा, ग्रिड होगा जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करेगा, एक्सेलरेटिंग एनोड होंगे इनकी संख्या 2 की जो इलेक्ट्रॉनों की गति को कंट्रोल करेंगे, फिर फोकसिंग एनोड होगा ये काम क्या करेगा, उनको किसी विशेष दिशा में फोकस करने का काम करेगा। फिर आपका डिफ्लेक्शन सिस्टम आता है, इसके अंदर वाई डिफ्लेक्शन प्लेट होगी, एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट होगी, दोनों की संख्या 2-2 की, वाई ऊपर और नीचे भेजेगी इलेक्ट्रॉनों को, ये दाएं और बाएं भेजने का काम करेगी। फिर पर्दे के ऊपर बात करें तो पर्दा जो होगा इसका एक ब्लॉक होगा वो 1 सेमी स्क्वायर का होगा, लंबाई और चौड़ाई अगर ब्लॉक की देखें तो वो सेमी में होगी, एक एक होगी दोनों, 2D सिग्नल ये प्रदर्शित करेगा। और इसकी स्क्रीन के ऊपर जो लेपन किया जाता है वो फास्फोरस का किया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग क्या करोगे यहां से याद रखेंगे। अब आपको देखो यहां से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। सवाल आपसे ये पूछा गया था कि जो CRT जो होता है उसका हर्ट, सॉरी CRO का हर्ट किसको कहा जाता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा CRO का हर्ट किसको कहा जाता है, तो CRO को SSC JEE के अंदर 2014 के अंदर पूछा था कि फोकसिंग एनोड कहां लगा था, तो इसका आंसर था प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड के बीच के अंदर। एक बार यह सवाल पूछा गया था DMRC 2016 के अंदर कि CRO जो होता है वो कौन सा आयाम प्रदर्शित करेगा सिग्नल का, तो आपका जो आंसर था 2D, यानी कि द्वि आयामी लंबाई और चौड़ाई प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि CRO की जो स्क्रीन जो होती है या CRT की जो स्क्रीन होती है उस पर किसका लेपन करेंगे, तो फास्फोरस का करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि जब इलेक्ट्रॉन टकराए तो वो चमकदार बिंदु उत्पन्न करें, ताकि सिग्नल स्पष्ट देखने को मिल सके। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, तो आप लोग याद रखेंगे कौन करेगा, अपना ग्रिड करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये जो जानकारी थी ये सारी की सारी CRT के बारे में थी। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।